नमस्कार, मैं इंद्रपाल चतुर्वेदी। आज की सबसे बड़ी खबर भायकला से। डोंगरी इलाके में चार मंजिला इमारत धराशायी हो गई, जिसमें 50 से 60 लाख लोगों, लगभग 15 परिवार के लोगों के दबे होने की आशंका है, जिसमें से अभी तक 18 लोगों को निकाला गया, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। बाकी का इलाज चल रहा है जे अस्पताल में, और ये मरने वालों की संख्या बढ़ भी सकती है, क्योंकि घायलों की हालत ज्यादा गंभीर बताई गई है। इसमें दो बच्चों को जो रेस्क्यू ऑपरेशन ने निकाला है, सुरक्षित निकाला है, और उनकी हालत भी काफी खतरे से बाहर बताई जा रही, मतलब वो उनकी चिंताजनक हालत नहीं है, बच्चों का स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। अभी तक ये नहीं पता चल पा रहा है कि इसमें महिलाएं ज्यादा दबी हैं, पुरुष, ये भी पता नहीं चल पा रहा है, मरने वालों में महिला या पुरुष हैं, इसका भी अभी खुलासा प्रशासनिक तौर पर नहीं हुआ है। लेकिन यह है कि यह हादसा बहुत ही दुखदायी है, और कहीं ना कहीं किसी की, जिसकी भी, किसकी लापरवाही और किसकी वजह से हुआ, किसको दोषी ठहराया जाएगा और क्यों हुआ यह हादसा, इस पर एक सवालिया निशान सरकार के लिए, बीएमसी प्रशासन के लिए खड़ा जरूर होता है। हमारे साथ इस समय भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता जितेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं, और हम उनसे जानना चाहेंगे कि ऐसे पिछले कई सालों से देखा जाए तो कई बार महानगर पालिका जर्जर इमारत घोषित करती है, और इसके बावजूद भी बिल्डिंगें गिरती है, उसमें लोग रहते हैं और हादसा होता है, मरने वालों की संख्या बढ़ती है, और कुछ ऐसी भी बिल्डिंगें गिरती हैं जिनको जर्जर घोषित नहीं कर पाती मनपा, फिर भी गिर जाती हैं और हादसे होते हैं। आखिर इस बात को, इस बिल्डिंगों के गिरने का सिलसिला और उसमें दबकर मरने वालों का सिलसिला कब खत्म होगा, कब लोग अपने घरों में सुरक्षित रहेंगे? जितेंद्र सिंह जी। गुरुदेव नमस्कार, मुंबई मेट्रो के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है। ये बहुत ही दुखद घटना हुई है, आज जो हुई है मुंबई में, ये जो इमारत गिरी है और उसमें जो मरने वाले, मेरी संवेदना है, हमारी सरकार की संवेदना है, हमारे बीजेपी के जितने भी लोग हैं या भारत जुड़ी हुई है, ये बहुत घटना आज हुई। और जहां तक बात है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब ये घटनाएं क्यों होती है मुंबई शहर, इसके लिए दर्द हमारे दिल में भी है जी। लेकिन 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 एक बात है जितेंद्र सिंह, आपके आप भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना दोनों महानगर पालिका के सत्ता पर काबिज हैं, और महानगर पालिका आखिर अगर उसको जर्जर घोषित किया तो उनको निकाला क्यों नहीं, अगर निकालने के लिए नोटिस दिया तो निकालने के बाद भी वहां से क्यों नहीं गए? क्योंकि वहां पे जो विधायक है वारिस पठान MIM के, उन्होंने आरोप लगाया है कि इसलिए नहीं दिया कि ये लोग वहां से निकल पाए, क्योंकि उनको कोई सब्स्टिट्यूट रहने की व्यवस्था नहीं दी जा रही है। देखिए एक बता दूं मैं गुरु आपको, नियम कानून सबके लिए बराबर है जी। अगर कोर्ट ने आदेश दिया है, हाई कोर्ट से बड़ा इस देश है नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं अब हमारी भी आपकी गलती है कि जगर कोर्ट कह रही है या बीएमसी कह रही है जर्जर इमारत है, इससे आप बाहर निकल जाइए। हाँ, ये ढांचा गिरने वाला है, ये बिल्डिंग गिरने वाली है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं ये प्रशासनिक कहीं ना कहीं कुछ चुप हुई होगी। मैं ये कह रहा हूँ प्रशासनिक चुप कहीं ना कहीं कुछ हुई होगी, लेकिन दोषारोपण करने से इसका कुछ भी निकलने वाला नहीं है, और इसके लिए हमको आपको सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों को सोचना चाहिए ना। मरता तो मासूम है बेचारा। लेकिन एक बात और बताइए कि अगर जर्जर इमारत, अभी दहिसर में एक इमारत है जर्जर घोषित करके वहां के लोगों को खाली करा दिया गया, आज 5 साल हो गए वहां पर कोई भी निर्माण कार्य नहीं चल पा रहा है, तमाम नियमों के चलते, और लोग किराए पर मकान में बाहर पे रह रहे हैं। आप मेरी बात सुनेंगे, मैं आपको बताऊं। हाँ बताइए। एक बिल्डिंग को डेवलप करने के लिए कितने सारे कागजात, कितनी सारी चीज, कितने सारे एप्लीकेशन झेलने पड़ते हैं, एक नेता की बात नहीं है, एक पॉलिटिशियन की बात नहीं है, ये सिस्टम की बात है। आज जो मिल गई उसमें जो लोग बेचारे जो भी जिनके भी आज दुर्घटना, इतनी दुखद दुर्घटना हुई है कि मैं इसको जवान से व्यक्त नहीं कर सकता, नहीं कर बिल्कुल, जिनकी आप हम जिसका भी परिवार वहां उजड़ा, आज जो लोग मर गए आज, इसको हम जवान से नहीं बयान कर सकते, नहीं भर सकते ना, उसकी बयान कर सकते हैं क्या, उसकी भरपाई भी नहीं की जा सकती है, तो नहीं समझ रहे। लेकिन ये सिस्टम, ये तरीके, लेकिन आप जो सिस्टम तरीका
हमारी सरकार ला रही है। आज मुंबई शहर में ये कोई पहला नहीं है, ये बहुत पहले से होती आई है, लेकिन इसके ऊपर हम आपको बैठ के सोचना चाहिए ना, ऐसा क्यों होता है? जब जर्जर इमारत थी, जब कोर्ट का आदेश था, सब कुछ था, तो जनता ने खाली क्यों नहीं किया उसको? आपने घर क्यों नहीं खाली किया? नहीं खाली कर... आज EMI के वहाँ विधायक है, आज EMI के विधायक है, वो बोलेंगे बीजेपी वालों ने ऐसा किया, सेना वालों ने ऐसा किया। अरे आप आके आमदार थे, आपका भी तो फर्ज बनता था ना। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, आप वहाँ के सुनिए, वहाँ की जनता ने आपको चुन के वहाँ आपको आमदार बना के विधानसभा में भेजा। हाँ आप जितेंद्र सिंह आपकी आवाज थोड़ा कट रही है, थोड़ा नेटवर्क आपके यहाँ लगता है कुछ गड़बड़ है। आपकी आवाज मेट्रो मुंबई, एक छोटे से विराम के बाद फिर वापस लौटते हैं।